पॉक्सो कोर्ट क्रमांक 2 में विशिष्ट न्यायाधीश अशोक चौधरी ने आज दुष्कर्म के मामले में फैसला देते हुए आरोपी अजय को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा पर 2.5 लाख के जुर्माने से दंडित किया। इस राशि में 2,30,000 पीड़िता को दिए जाएंगे। मामला 19 मार्च 2018 का है, जहां पर थोई थाने में जिसे दर्ज हुआ था, जिसमें पीड़िता के पिता ने अपनी पुत्री का मामला दर्ज कराते हुए बताया कि अजय नामक युवक ने उसकी पुत्री के अश्लील फोटो खींचकर 6 माह तक दुष्कर्म किया और इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। पुलिस ने इस मामले में चालान पेश किया। 23 गवाह व 24 दस्तावेज के आधार पर आरोपी अजय को 10 वर्ष की कठोर कारावास व 2,50,000 के जुर्माने से दंडित किया गया। दिनांक 19/3/18 को परिवादी ने उपस्थित थाना थोई होकर के एक रिपोर्ट इस हादसे की दर्ज करवाई कि उसकी पुत्री पीड़िता जो स्कूल में पढ़ती है उसकी अश्लील फोटो अजय मुलजिम ने करीब 6 माह पूर्व बनाई थी और उसको उसके साथ उस फोटो की आड़ में 6 माह पूर्व से बलात्कार लगातार कर रहा था और फिर उसने उन फोटो को व्हाट्सएप पे अपलोड भी कर दिया। इस पर यह रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ही मामला न्यायालय में पेश हुआ। चालान पेश होने के बाद में 23 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए गए और मुलजिम अजय को 5 धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये का अर्थदंड और धारा 67B IT एक्ट में 4 साल का कठोर कारावास और 2,00,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है, जिसमें से 2,30,000 रुपये पीड़िता को दिलाने का आदेश।